मंदिरों में भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, महापुरुषों की नहीं होती है, महापुरुषों की स्टैचू होती है। और मंदिरों में हम मूर्ति स्थापित करते हैं उनकी आराधना के लिए, उनकी पूजन के लिए करते हैं, कि उनके पूजन से हमारे हृदय में पवित्रता आती है, ऊर्जा मिलती है और हमारा मोक्ष होता है। ये मूर्तियों का सिद्धांत है। आपने अभी जो कहा कि कोई दूसरी चीज़ बननी चाहिए, इसके लिए हम कहाँ विरोधी हैं, लेकिन राम जन्मभूमि में इसको बनाए कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी बना सकते हैं आप, वह बनाइए, अस्पताल बनाइए। लेकिन सवाल ये है कि आप इतना बड़ा पुतला खड़ा करते हैं जिसमें जो लागत लगेगी उससे न जाने कितने अस्पताल बन जाएंगे, उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि आप वल्लभ भाई पटेल का आपने सरदार सरोवर में स्मारक बना दिया, उतनी ही ऊंचाई का उतनी ही लागत से अगर अयोध्या में राम का एक पुतला बनाया जाता है तो हम लोग उसके पक्ष में नहीं हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं कि राम जन्मभूमि में बालक राम का विग्रह रहे, कौशल्या जी की गोद में बैठे हुए राम दिखाई पड़े, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुई अज भक्त प्रेम वस कौशल्या की गोद, जिनके चरित्र का गान करने से, जिनकी जन्मभूमि का दर्शन करने से भवबंधन से मुक्ति मिलती है, उन राम की प्रतिमा, वो बालक रूप में प्रतिमा जन्मभूमि में स्थापित की जाए, ये भारत के हिंदू समाज की मांग थी। इसके लिए बहुत संघर्ष हुआ है, न जाने कितने लोगों ने सिर कटाए हैं। अब उसके बाद जब उसका निष्कर्ष निकलने आया तो ये हमारे सामने पेश किया जा रहा है, ये हिंदू समाज के साथ अन्याय है।